नवीन गौते अपर्णा गौते ने गणेश नाइक के पीठ में घोपा खंजर, बीजेपी छोड़कर क्यों थामा शिवसेना का भगवा। गौर से देखिए, ये दीघा के सरकार नवीन गौते हैं। कल तक बीजेपी नेता गणेश नाइक के वफादार रहे नवीन गौते का पूरा परिवार अब शिवसेना का हो गया है। कल उनकी पत्नी अपर्णा गौते, भाई राजेश गौते और भाभी दीपा गौते ने समर्थकों के साथ भाजपा को झटका देकर एक साथ शिवसेना का दामन थाम लिया। नवीन गौते तब साथ नहीं थे, लेकिन इस दलबदल की सारी पटकथा खुद गौते ने गिरफ्तारी से खुद को बचाने के लिए तैयार की। उसके डायरेक्टर एम के मढ़वी और विजय चौगुले रहे, जो ऐरोली विधानसभा क्षेत्र में गणेश नाइक को कमजोर करना चाहते हैं। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि गौते ने गणेश नाइक की पीठ में छुरा घोंपा है, जो उसे अब तक बचाते आ रहे हैं। इसे इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और, कि जिस वक्त गणेश नाइक मनपा मुख्यालय में गौते का बचाव कर रहे थे, उसी दौरान नवीन गौते अपने रिश्तेदारों का शिवबंधन बंधवा कर गणेश नाइक के साथ गद्दारी करने में जुटे थे। जो नवीन गौते पर जो केस वार्ड ऑफिसर ने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रबाला में दर्ज की, वो सीनियर सिटीजन ने कहा है कि भाई जो कंस्ट्रक्शन किया तो हमने किया था, वो पत्र माननीय आयुक्त को दिया। अतिरिक्त आयुक्त काकड़े साहब को मैंने फोन लगाया कि भाई जब कोई सीनियर सिटीजन आके बोलते हैं ये काम हमने किया है, तो आपके जो वार्ड ऑफिसर इतने चेतावनी भरे, इतने गतिमान कैसे हो गए कि तुरंत ही नवीन गौते पे FIR दाखिल किया गया। इतने सतर्क है तो उस इलाके में 100 काम ऐसे हैं जो जिस पर केस दाखिल की जा सकती है, वो दाखिल करो हमारा कहना नहीं है, लेकिन जिस ढंग से नवीन गौते पे केस दाखिल किया, अभी वो लोग बोल रहे हैं हमने किया है। फिलहाल नवीन भाई की राजनीति मनपा चुनाव से पहले ही गर्मा गई है। एक्सपर्ट की माने तो यह शिवसेना की बड़ी चाल है। इसमें नवीन गौते एक मोहरा है, जिन्हें बीजेपी और गणेश नाइक को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सूत्रों की माने तो गौते के खिलाफ शिवसेना ने अपने एक कार्यकर्ता से ही FIR दर्ज कराई, ताकि उन्हें पार्टी में आने के लिए मजबूर किया जा सके। जाहिर है नवीन गौते के सेना में आने से दीघा के 5 वार्डों के साथ ही संपूर्ण ऐरोली विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना का दबदबा कायम हो गया है, जहां अब तक गणेश नाइक का वर्चस्व था। फिलहाल इस लड़ाई में बीजेपी के नगर सेवक दबाव में हैं। हालांकि गणेश नाइक का मानना है कि उनके कार्यकर्ताओं पर जितना जुल्म होगा, वे और मजबूती से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। मराठी में एक कहावत है, तोड़ीला तरु फूटे अनखी भराने, यानी पेड़ को काटो तो पेड़ अपने और ढालियां लेके मजबूती से खड़ा रहता है। जितना जुल्म होगा उतने हमारे कार्यकर्ता मजबूत बनेंगे और वो मजबूती के साथ वो लड़ाई को तैयार हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।